माई चैनल एंड दोज वर न्यू वेलकम टू माई चैनल। सो गाइज, फिर से आज मैं और एक मेरा लाइफ एक्सपीरियंस लेकर आ चुकी हूँ। दैट इज हाउ टू कंट्रोल योर डैंड्रफ प्रॉब्लम नेचुरली। सो गाइज, मैं अपने टॉपिक में आगे बढ़ूँ उससे पहले, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हिट द रेड सब्सक्राइब बटन अलोंग विद द नोटिफिकेशन बेल बटन, ताकि जब भी मेरा नया वीडियोज आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सो ज्यादा देर किए बिना चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज मैं अपनी और एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, दैट इज कैसे मैं अपनी डैंड्रफ प्रॉब्लम को कंट्रोल किया था। तो यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि सच में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी शैम्पू, पर्टिकुलर कोई शैम्पू, कोई पैक, कोई हेयर मास्क, कोई ऑयल, कुछ भी मेरा काम नहीं आया था। बहुत दिनों से मैं बहुत ज़्यादा ही डैंड्रफ प्रॉब्लम के साथ गुजरी हूँ, तो ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे कभी भी काम नहीं आए। तो मैं उसी के बारे में बात करूंगी, कुछ लाइफ हैक्स के बारे में जो मुझे पर्टिकुलरली बहुत 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 ही ज़्यादा इफेक्ट किया था। तो पॉइंट नंबर वन, सबसे ज़्यादा जो मुझे इफेक्ट किया था वो था मेरा लाइफस्टाइल। कैसे? मैं जब तक मेरा ओबेसिटी था, मेरा एक अनहेल्दी बॉडी था, तब तक मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ प्रॉब्लम था, उसके साथ साथ हेयर फॉल, हेयर डैमेज का प्रॉब्लम तो था ही, और एक चीज़, मेरा ऑयली स्कैल्प है, तो ये जो डैंड्रफ है वो भी बहुत एक ऑयली फॉर्म में रहता था, तो ऑयल यूज़ करना मेरे लिए और भी इसको बढ़ावा देने की बराबर था। और हर रोज़ अगर मैं शैम्पू भी करती तो मेरा और भी ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता था, या फिर हेयर डैमेज हो जाता था, ड्राई रफ हेयर हो जाता था। तो ये सब तो मैंने छोड़ दिया। फिर और एक चीज़ जो बरसों से चले आ रहे हैं वो है लेमन जूस एंड कोकोनट ऑयल, उसको एक साथ मिला के स्कैल्प पे लगाना। हाँ, एक दो दिन तक डैंड्रफ नहीं रहता था, बट फिर से वापस आ जाता था। तो ये सारी कुछ चीज़ें मैंने अप्लाई किया। हाँ, मैंने अंडा लगाया, मैंने ये लगाया, वो लगाया, जितने भी नेचुरल हैक्स होता है सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया था, बट किसी भी चीज़ काम नहीं आया। फिर मैंने जब वर्कआउट शुरू किया, वर्कआउट करना या फिर डाइट करना जब शुरू किया, जब मेरा एक परफेक्ट लाइफस्टाइल रूटीन मैं खुद को मैं लाई, उसके बाद से मैंने नोटिस किया कि मेरा डैंड्रफ प्रॉब्लम भी घटने लगा। कैसे? मैं जब वर्कआउट करती थी तो मेरा स्कल्प स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता था, और स्कल्प स्वेटिंग होने की वजह से मुझे हर रोज़ शैम्पू करना पड़ता था, या फिर अगर शैम्पू ना भी करूँ तो अच्छी तरह से बाल धोना बहुत ज़रूरी था। तो इससे मैंने देखा कि लगभग बहुत ज़्यादा मेरा ये प्रॉब्लम घटने लगा था। पॉइंट नंबर टू, मैं जब आप लोगों से मैंने पहले भी कहा कि एज ए डिटॉक्स मैंने घी लेना शुरू किया था, अभी लेती हूँ, तो या फिर एक चम्मच घी डायरेक्ट में ले लेती थी, या फिर थोड़ा सा ल्यू वार्म वाटर के साथ मैं एक चम्मच घी लेती थी। तो घी लेने के बाद मैंने देखा कि मेरा स्किन भी ग्लोइंग होने लगा, और मेरा जो बालों का जो प्रॉब्लम है बहुत लगभग बहुत ज़्यादा घट चुका था। मतलब जो कभी कभार एक डैमेज्ड हेयर रहता था, फ्रिजी रहता था, कभी फ्रिजी, कभी बहुत ज़्यादा ऑयली, ऐसा रहता था। तो ये प्रॉब्लम तो 90% चला गया था, और उसके साथ साथ ये जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है ये भी पता नहीं कैसे ये भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया था। पॉइंट नंबर थ्री, वाटर इनटेक। मैं बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक करने लगी थी जब मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आई थी, तो वाटर इनटेक इतना ज़्यादा करने के बाद मैंने देखा कि इसके वजह से भी मेरा थोड़ा बहुत असर हो रहा है डैंड्रफ पे, मेरा डैंड्रफ घटने लगा। एंड पॉइंट नंबर फोर वो है एलोवेरा जेल। तो आजकल
अक्सर बहुत लोगों के घर पे एलोवेरा का पौधा होता है, तो अगर नेचुरली एलोवेरा लीफ लेकर लगाओ तो वो ज़्यादा काम आता है। तो फिर आप जब आपके पास अगर वक्त नहीं है या फिर एलोवेरा का पौधे नहीं है आपके पास, तो यू कैन यूज़, मैं कोई फिर से कह रही हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट रिव्यू यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैंने जो भी इस्तेमाल किया है मैं वही बताऊँगी। मैं उस टाइम वाओ का एलोवेरा जेल यूज़ किया था। तो एक्चुअली ये जो रेडीमेड एलोवेरा जेल होता है ये मैंने बहुत कम ही यूज़ किया था। मैं ज़्यादातर यूज़ करती थी डायरेक्ट एलोवेरा लीव, उसको लेकर बीच में से मैं काट लेती थी फिर उसको डायरेक्ट स्कैल्प में लगा लेती थी। तो ये एलोवेरा भी बहुत काम आई थी मेरा। और एक चीज़ गैस मैंने किया था बट वो ज़्यादा असरदार नहीं था मेरे लिए, वो था मैं स्पा करवाती थी। मैंने एक साल तक हर महीने जाकर पार्लर में जाकर स्पा करवाया, बट एक महीने दो हफ्ते तक मैं डैंड्रफ फ्री रहती थी, फिर दो महीने के बाद फिर से आ जाता था, फिर से डैंड्रफ का प्रॉब्लम आ जाता था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मुझ पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। और ये जो चार पॉइंट के बारे में मैंने आप लोगों को कहा, ये पॉइंट मुझे बहुत 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 ज़्यादा असर किया था और आज मैं बिल्कुल भी डैंड्रफ फ्री हूँ। उस टाइम मैं कोई भी शैम्पू यूज़ करती थी, मतलब घर पे जो भी शैम्पू रहता था, हाँ मुझको शैम्पू था जो मुझ पर बिल्कुल शूट नहीं करता था, जिससे बाल झड़ने लगता था बहुत ज़्यादा, तो वो सारे शैम्पू छोड़ के मैं पैंटीन, कभी कभार हेड एंड शोल्डर, कभी कभार डव वगैरह जो भी मिलता था हाथ के सामने, सनसिल्क, या मैंने सनसिल्क बहुत दिनों तक यूज़ किया था, तो ये सारे शैम्पू मुझे ठीक ठाक लगता था और मैं कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेती थी। बट स्कैल्प को हमेशा साफ रखने की कोशिश करती थी मैं। और एक चीज़, जब मेरा स्कैल्प स्वेट होता था तो तुरंत बाद जाके नहाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था, सबके लिए भी नहीं होगा, तो उस टाइम मैं क्या करती थी, स्कैल्प को अच्छी तरह से ऐसे बालों को उंगलियों से मैं सुखाने की कोशिश करती थी। और बट एक चीज़ मैं नहीं करती थी, वो था बालों को उस टाइम मैं बाइंड नहीं करती थी। स्वेटेड स्कैल्प रहने के टाइम अगर मैं बालों को बाइंड कर लेती थी तो मेरा बाल बहुत झड़ने लगता था और डैंड्रफ का प्रॉब्लम फिर से आ जाता था। तो उस टाइम मैं बालों को खुला रखती थी और बालों को सुखाने की कोशिश करती थी, बट टॉवल या कुछ और मटेरियल से नहीं। अगर स्वेटेड स्कैल्प रहने के टाइम आप अगर टॉवल या फिर और कुछ चीज़ों से अपना बाल सुखाने की कोशिश करो तो उस टाइम हेयर फॉल होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो मैं नेचुरली पंखा के नीचे बैठकर बालों को सुखाने की कोशिश करती थी। तो ये कुछ चीज़ें मैंने ट्राई किया खुद पर और सच में आज एकदम भी मेरे सर पे डैंड्रफ नहीं है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये सजेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ ट्राई करना, देखना कि काम होता है कि नहीं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज, आज का वीडियो बस इतना ही रहा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक भी ठोक देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।